भोपाल में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई पूर्व मंत्री और विधायक शामिल रहे। हाथों में तख्तियां और नारे लिखे एप्रिन पहनकर बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सरकार पर हर मोर्चे पर विफल होने के आरोप लगाए। शिवराज ने कहा है कि सरकार ना तो रोजगार दे पा रही है और ना ही बेरोजगारी भत्ता। प्रदेश में यूरिया संकट पर सरकार का ध्यान नहीं है, किसान परेशान है। युवाओं के साथ किया जा रही वादा खिलाफी को लेकर आज बीजेपी पैदल मार्च कर रही है। आप देख सकते हैं कि एप्रिन पहनकर युवा के साथ जिस प्रकार सरकार ने वादा कर लिया उसको घेरा और एप्रिन में काबिल है कमलनाथ, एक काम करो चूड़ी पहनकर बात करो, ये स्लोगन दिया हमारा कुछ विधायक उनके पास क्या मांगे। आज युवा मोर्चा मध्य प्रदेश में आंदोलन कर रहा है, सभी जिलों में हम आंदोलन करेंगे और दमनकारी नीति का विरोध करेंगे युवाओं के हितों में। सर युवा का मुद्दा, युवाओं को युवाओं को धोखा दिया है, छला है, पीठ में छुरा धोखा है। 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, न रोजगार दिया, उनके एक साल में 7 लाख बेरोजगार बढ़ गए। सत्य है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी साफ तौर से क्या कहना है, युवाओं के साथ जो सरकार ने छलावा किया है। कैमरामैन इमरान के साथ सनी मालवीय, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।